तो मोना जी, आपको ये खुशी मिली है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। दूर की रोशनी बढ़ी आपकी, पास की रोशनी बढ़ी, और साथ में पेरिफेरल विजन आपका पुनः लौटा। कई सालों से, कितने सालों से आप परेशान थी? तीन सालों से आपका सेंट्रल विजन खत्म हो गया था, जिंदगी परेशानियों से भर गई थी, चलना फिरना, लोगों को पहचानना में मुश्किल आना शुरू हो गई थी। हैं, अच्छा लग रहा है आपको जी। आप अपने उड़िया उड़ीसा के लोगों से क्या कहना चाहेंगी? जिसको भी रेटिना प्रॉब्लम है वो यहाँ आ सकता है, आकर अपनी ट्रीटमेंट कर सकता है। इलाज करवाना चाहिए कि सकता है? सकता की क्यों बात है, करना चाहिए उसको, करना चाहिए। जिस तरह आपको फायदा हुआ उसी तरह उसको भी फायदा होनी चाहिए, होगा, है ना? आपको हो रहा है वैसे दूसरों को भी होगा। ठीक, बहुत सारी बधाई आपको, आपके परिवार को। आंखों के असाध्य रोगों से छाते मानव जीवन में अंधियारे हैं, असाध्य को साध्य बनाकर हम फैलाते जीवन में उजियारे। क्या नाम है आपका? सिमुन महापात्र। सिमुन, सिमुन क्या परेशानी है? आंखों में रेटिना की प्रॉब्लम है। आपको कैसे मालूम पड़ा आपको रेटिना की प्रॉब्लम? ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं देता, ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं पड़ता था जी। रात को घर में सही दिखाई पड़ता था सर? नहीं दिखता था, प्रॉब्लम होती थी तब भी, प्रॉब्लम होती थी, आगे की बेंच पे बैठना पड़ता था। रात में कम दिखा, दिन में कम दिखने लगा, सीढ़ी चढ़ने उतरने में कब से परेशानी हुई? होती है, संभल के चलना पड़ता है जी। साइकिल चलाती हो? पहले चलाती थी। कितने साल हो गए बंद करे? तो साइकिल चलाने में आपको साइड में कौन आ रहा है ये समझ में नहीं आता था? नहीं, गड्ढे और स्पीड ब्रेकर दिखाई समझ में नहीं आते थे, इसलिए आपने साइकिल चलाना बंद कर दी। कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ आपका? नहीं। चलिए, खुश नसीब है आपका, आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ और आपने गाड़ी चलाना बंद कर दी। पैदल घूमने फिरने में कोई परेशानी? हाँ, वही साइड में कोई आ रहा है जा रहा है, आगे की सीढ़ी है या नहीं है वो दिखाई नहीं देता। भीड़ में चलने में टकराने का डर लगता है या टकरा जाते हैं लोगों से? टकरा जाते हैं, है ना? स्कूल में भी बच्चों के साथ खेल नहीं पाते हैं क्योंकि वहाँ टकराने का डर लगा रहता है। ठीक जी। कहाँ तक पढ़े हैं आप? 10th के एग्ज़ाम दी है, और कब से रिजर्व रहते हैं आप वहाँ पर? सब बच्चे कहते होंगे ना, चल चलो घूमने, चलो घूमने, चलो खेलने। पढ़ाई में खेलते थे, हाँ, ज़्यादा नहीं खेलती हूँ। नहीं, आप नहीं खेलते हो क्योंकि मजबूरी के कारण नहीं खेलती हो ना, मन और इच्छा तो होती है कि मैं भी खेलूँ सबके साथ, सही है जी। लेकिन आप खेल नहीं पाते हैं तो आप बच्चों के साथ हिल मिल नहीं पाते हैं। आपकी सहेलियाँ कहती होंगी ये तो ये नहीं चलेगी खेलने, है ना? चलिए, कोई बात नहीं, जिंदगी का वो परेशानी आपके साथ रही। आपने कहाँ कहाँ दिखाया? एलवी प्रसाद, भुवनेश्वर, हैदराबाद। हैदराबाद, एलवी प्रसाद और वही भुवनेश्वर में हाईटेक। हाईटेक, हाईटेक कहाँ है? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर और एलवी प्रसाद में मैं ज़्यादा दिखती थी। एलवी प्रसाद दिखाया था। इसके अलावा कोई आयुर्वेदिक दवाई करी क्या? आयुर्वेदिक हम हैदराबाद गए थे। हैदराबाद कौन सा हॉस्पिटल? संजीवनी। संजीवनी, एक साल क्यों? दिक्कत होने लगी। इनके अलावा कहीं और आपने दिखाया नहीं? सभी जगह क्या कहा गया आप? कि इसकी कोई इलाज नहीं, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और अंततः आपको सुरदास होना ही पड़ेगा जी, है ना? इलाज नहीं है तो रोशनी खत्म होती जाएगी, और वही स्थिति आपके साथ हुई और आपकी रोशनी खत्म होती चली गई। चश्मे ने भी काम करना बंद कर दिया। ठीक, देखें आज आपको क्या दिखाई पड़ता है। कपड़ों की मैचिंग भी नहीं देख पाती होगी आप? नहीं देख पाती हूँ, वो देख पाती हूँ। देख पाती हो, ये अच्छी बात है। देखें आज आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। सामने कुछ दिख रहा है क्या आपको? एल दिख रहा है। एल दिख रहा है। यू, यू के पास एफ क्या है? टी यू, यू फिर बी, बी एक अक्षर गलत बता रही हो आप, बीच वाला फिर से बता सकते हैं? नहीं दिख रहा, नहीं। दूसरे अक्षर थोड़ी थोड़ी, 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 थोड़ी नहीं दिख रहा, नहीं।
DFD एफ ओ यू यू नहीं दिखा बी यू नहीं है आँख टेढ़ जो दिखता है आपको टेढ़ी आँख करके दिखता है क्या नहीं सीधा करो चेहरा DDB नहीं दिख रहा नहीं दिखता अब तो सिमुन जी आपको रात में पहले कम दिखाई पड़ता था जी घर में दिक्कत होने लगी थी चलने फिरने फिर स्कूल जाने लगी तो स्कूल में दूर का दिखाई देना बोर्ड दिखाई नहीं दे पड़ता था जी। कौन सी क्लास से आपको चश्मा लगा थर्ड क्लास में चश्मा आपको लगा चश्मा लगने के बाद आपको दिखने लगा था तो देश के कोने कोने में उन्हें आप दिखा सकते हैं सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं जी हाँ जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं और ये सिर्फ उसके ऊपर की देखो हाँ जहाँ ये लेटर लिखा ना J7 J5 पढ़ो J6 उसके ऊपर से शुरू करो J6 लिखा हुआ मुश्किल हो रहा दूसरी आँख से पढ़ी ये आँख में ज्यादा होती है जो है वो आपका आँख में सारी धुंधली दिख रही है सब धुंधला दिख रहा जी लेफ्ट आँख से धुंधला दिखता है वो पढ़ाओ मैथ्स के नंबर अब पढ़ो एक आँख में लेफ्ट 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 राइट तो अपन ने पढ़ लिया एक इंग्लिश का इसमें कुछ दिखाई पड़ रहा है नहीं 8 5 2 8 9 ऐसा लग रहा है ऐसा आंखों से जैसे या ऐसा हिल रहा है कोई बात तो आज आपकी स्थिति ये है कि आपको पास में इंग्लिश का राइट आंख से लास्ट की लाइन J7 आती है ना चश्मा उतार लो लास्ट की लाइन आपको J7 आती है राइट आंख से और लेफ्ट आंख से आपको मैथ्स की पहली लाइन आती है उससे इंग्लिश की लाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं आप और जो भी दिख रहा है वो हिलता हुआ दिखाई पड़ता है आपको लेफ्ट आंख से ठीक है हाँ पढ़िए इसमें कुछ गिनती लिखी हुई है देख सकती हो क्या लिखा नहीं जोर से बोलो नहीं आ रहा नहीं ठीक आज आपकी स्थिति ये है कि दूर में आपको तीन लाइन आप पढ़ पाते हैं दोनों आँख से चश्मे की मदद से पास में आपको राइट आँख से स्मॉल इंग्लिश की पहली लाइन दिखती है J7 लेफ्ट आँख से वो नहीं दिखाई पड़ती है ना मैथ्स की आपको लेफ्ट आँख से पहला अक्षर दिखाई पड़ता है ठीक है इसके साथ में एक बड़ी समस्या जो आई है वो है कलर ब्लाइंडनेस आप रंगीन एक भी अक्षर नहीं पढ़ पा रहे हैं ठीक हम प्रयास करेंगे कि आपके जीवन में पुनः रंग आए और आपकी ज़िंदगी फिर हंसने खेलने लगे मोना जी आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है लेफ्ट आँख का इसमें आपको सेंटर भी फोकस नहीं हो रहा है ठीक है उसी तरह आपको राइट आँख में भी कुछ फोकस नहीं हो रहा है आपकी आँखें इतना हिलती है कि आप सेंटर पॉइंट फोकस नहीं कर पा रहे हैं ठीक तो हम प्रयास करेंगे कि आपका सेंट्रल विजन भी आए और आपको दिखना शुरू हो बेस्ट ऑफ लक जी आज आपका पहला कोर्स खत्म हुआ है देखें आपको पास में क्या फर्क पड़ा है पढ़िए 8 5 2 9 3 8 7 5 4 6 3 5 6 3 9 5 2 4 2 8 3 बहुत सारी बधाई हो आपको लेफ्ट राइट आँख में आपको तीन लाइन से पांच लाइन दिखना शुरू हो गई है आप तीसरी लाइन पढ़ते थे जब फर्स्ट डे आए थे आज आपको 7 डे 2 लाइनों का इजाफा हुआ है
बहुत सारी बधाई हो। आपकी पास की रोशनी पड़ी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारी बधाई हो आपको। दूर की रोशनी नए नंबर के चश्मे से पड़ी, पास की रोशनी उसी नंबर से पड़ी। देखते हैं आपका पेरिफेरल विजन में क्या फ़र्क आया। मोना जी बहुत बहुत बधाई हो, ज़िंदगी में वो चीज़ आपने पाई है जो आप कोई सोच नहीं सकता था। एक कोहिनूर हीरा आपको मिला है, आपकी आँख में सेंट्रल विजन आना शुरू हुआ, जो आप पॉइंट फोकस नहीं कर पाती थी। ठीक है, आपको दिखता था ये वाइट पॉइंट? नहीं। हाँ जोर से बोलो। नहीं दिखता था, है ना। आज आपको करीब करीब एक इंच का पेरिफेरल विजन आया है, वो बहुत बड़ी बात है कि पेरिफेरल विजन जीरो से एक इंच भी आए। ऊपर आपको 1.1 इंच, नीचे 1.5, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके 1.5 इंच और राइट हैंड साइड पे 1 इंच का आपको पेरिफेरल विजन आया। करीब करीब अपन माने तो 1.25 इंच इन एवरेज आपका पेरिफेरल आया, विजन आया राइट आँख में। और ईश्वर करे ये बढ़ता चला जाए और आपकी ज़िंदगी में आप जिस चीज़ को देखें वो ठीक से फोकस हो सके। अभी आप कोई भी चीज़ देखती हैं वो फोकस नहीं हो पाती है, होती है नहीं होती है, है ना। आप फोकस नहीं कर पाती हैं किसी भी चीज़ को। तो बहुत सारी बधाई हो आपको, आपकी ज़िंदगी में फोकस पॉइंट फिर आया है। और ये विश्व की आपकी असाध्य बीमारी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के साथ साथ आपको मैक्यूलर जो डीजनरेशन था, मैक्यूलर डीजनरेशन भी आपका क्योर होना शुरू हुआ है। भालो हो सकता है उज्जैन नेत्र चिकित्सालय में देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है, जी हाँ उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है।